समझ नहीं पाता, मतलब वो बच्चे काफी टाइम से परेशान रहे होंगे और उनको सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए वो सुसाइड करने पे मतलब वो इतने निराश हो गए, उनको कोई ऐसा मिला ही नहीं कि कोई उनको उस चीज से निकाल सके, उस सिचुएशन से निकाल सके, इसलिए उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत सारे रीजंस हैं, अगर उनको फेस करना सिखा दिया जाता तो वो ऐसा कभी ना करते, लेकिन उनको ऐसा कोई मिला नहीं, इसलिए वो सुसाइड के रीजंस देखिए अलग अलग है, कोई स्टडी के लिए, कोई फाइनेंशियली क्राइसिस के लिए, कोई किसी चीज के लिए, हर चीज में हर सुसाइड में रीजन अलग है, लेकिन रिजल्ट सेम है और प्रोसेस सेम है, वो निराश हो चुके थे जिंदगी से, क्योंकि उनको जिंदगी संभालनी नहीं आती, उनको अपनी सोच संभालनी नहीं आती, इसीलिए उन्होंने। मैं आपको लेटेस्ट जैसे बताते हो, 23 साल का लड़का है, तो उससे पहले भी उसके सेशन ले चुकी हूँ, उसकी जो एज जब 19 साल की एज में था तब भी लिए थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, जैसे अभी यंग लड़का है, टीन एज है, उसे कोई लड़की पसंद आ गई तो बहुत उसने कोशिश की, लेकिन वो लड़की को मतलब पा नहीं सका, उसने बहुत डिसेंट लड़का था, वो बहुत स्ट्रेस में रहने लग गया था, तो उसे लगा कि मुझे अपनी मतलब जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, मुझे वो लड़की नहीं मिली। फिर हमने उसको उस पड़ाव से निकाला और उसे कहा कि जिंदगी में बहुत कुछ है, चीजें आपको अगर ठीक से रखोगे, आप ठीक रहोगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, तो लाइफ में दोबारा आपको मौका मिलेगा। उसने अपना 12th पास किया, फिर उसकी लाइफ में दूसरी लड़की आई, उसने चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, दूसरी लड़की की सोच ऐसी थी, वो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आई, उसको एहसास कराया कि हाँ मैं तेरे लिए बनी हूँ, सब कुछ है। फिर वो थोड़े टाइम बाद उसके सर्कल में जब उसकी बातें चलती रही तो परेशान रहने लग गया, क्योंकि लड़की कहती है कि मुझे सिर्फ, मैं तेरे साथ टाइम पास करती हूँ, मुझे शादी कहीं और करनी है। वो फिर स्ट्रेस में आया, और ये 3-4 दिन पहले की बात है, जब उसके दिमाग में सुसाइड का ख्याल आया कि मैं उस लड़की को छोड़ नहीं सकता और मैं ना उसको पा सकता हूँ, तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। तो फिर हमने उसको उस पड़ाव से निकाला, उसको ये कह के निकाला कि आज 2 महीने से 6 महीने से कोई लड़की आपकी जिंदगी में है, उसके लिए आप अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो, तो जो आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा कर रहे 21 साल 23 साल का किया है पैदा करके, तो उनका क्या कसूर है? तो मतलब आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में या जो आपका ख्याल रखते हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? उस बच्चे को बात समझ आई और वो उस चीज से निकला, और उसने अब उस लड़की से कट ऑफ कर दिया, उसको लाइफ में कुछ बनना है। और स्पेसिफिक एज देखिए, अभी उसमें आप देखेंगे कि एज आप स्पेसिफिक एज नहीं कह सकते हो, और बहुत सारी न्यूज आपने, आप लोग तो मीडिया से हो तो बहुत सारी न्यूज आपने देखी होगी, कोई 17 साल में भी कर लेता है, कोई 14 साल में भी करता है, अभी ये 34 में हुई है, कोई 22 में है, कोई 60 की एज में है, मतलब जब जितनी उनकी पेशेंस होती है उस चीज को सहन करने की, उस चीज को डील करने की, तब तक वो करते रहते हैं। वो ऐसा मोमेंट जब आता है तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, उनको दुनिया में अपनी जिंदगी की कीमत कुछ नहीं लगती। तो हम ये कहेंगे कि अवॉइड वर्ड इसके लिए बनाई नहीं है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमको सच्चाई समझनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस वजह से परेशान हैं और उस वजह के लिए हम बने हैं कि नहीं बने हैं, हम उस वजह को समझ के आगे भी बढ़ सकते हैं और उस वजह को खत्म करके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं अगर आप निराश हुए तो कहीं ना कहीं आपको या कहीं धोखा मिल रहा है या सामने वाला काबिल नहीं है या आप उस चीज के काबिल नहीं हो, हो सकता है आपने कुछ अलग टैलेंट हो, किसी अलग टैलेंट के लिए आप बने हो, तो आप उस अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को पहचानो तो आप उन चीजों से दूर हो सकते हो। आपको ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, आपको ये नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी सिर्फ इसी पॉइंट पे खत्म हो गई है, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसको सिर्फ अपनी मानसिकता को समझने की जरूरत है, आप इस चीज से सुसाइड से कोसों दूर हो सकते हो और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। आज हम फेसबुक यूट्यूब वगैरह ये पता क्यों करते हैं? हम अकेले हैं, आज हम अपने पार्टनर के साथ फीलिंग भी शेयर करते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हमें लगता है वो समझने के काबिल नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा। मोबाइल में क्या होता है, वापस रिप्लाई नहीं आता, आप भगवान के आगे माथा टेकते हो ना तो अपने किसी बड़े को आगे अपनी गलती आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, पता है भगवान वापस रिप्लाई नहीं देगा, सबको पता है भगवान कर्मों की सजा देगा, तो ये अकेलेपन का ही रिजल्ट है सारा। लोनलीनेस आती कब है, जब आप अपने दिमाग को नहीं समझते, अकेलापन कुछ नहीं होता, अगर आप अकेले हो जब आपको कोई नहीं पूछ रहा तो आप अपने पे काम कर सकते हो, तो लेकिन लोगों को अकेलेपन के कारण ही ये रास्ते में आते हैं, एडिक्शन हो गया, चोरी चकारी, क्राइम हो गया, ये सारी चीजें रास्ते अकेलेपन से स्टार्ट होती है, जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो पुश करता आपका ब्रेन कि जा ये काम कर।